सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले दो आरोपियों में से एक आरोपी की आज मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के लॉकअप में मौत हो जाती है। बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। अब आप सोचिए कि इतने गंभीर मामले का एक अपराधी जो कि कैसे कैसे पकड़ा गया हो और उसकी मौत हो जा रही है, कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह कारण तो नहीं था कि सलमान खान को डरा धमका कर कोई गिरोह या कोई गैंग धनुगाही करना चाहता था, और जब उसको पता चला कि आरोपी पकड़ा गया है, ये सब कुछ बक देगा, गवाही दे देगा, तो उसे मार दिया गया। क्या यह भी हो सकता है कि इसमें कोई राजनेता इन्वॉल्व हो, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सुरक्षित मुंबई पुलिस की लॉकअप, जहां पे सीसीटीवी कैमरा होता है, पुलिस का बड़ा बल होता है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, एक सुरक्षा चौकस होती है, लामबंद होती है, उसमें कोई आरोपी मर जा रहा है? वो आरोपी अगर जिंदा रहता, बहुत कुछ बताता, कई पर्दाफाश करता, कई गवाही देता, कोई बड़ा षड्यंत्र होने वाला अगर होता तो उसके बारे में खुलासा करता, अब उसकी मौत के साथ सब कुछ समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ी साजिश है। हम माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य के, उनसे अपील करते हैं कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए, संज्ञान में लाइए, कोई बहुत बड़ी जांच करवाइए, अन्यथा कानून व्यवस्था पर किसी का भरोसा नहीं रह जाएगा। अगर सलमान खान को डराने धमकाने वाले ऐसे ही घूम रहे हैं और मारे जा रहे हैं और उसका कोई जांच नहीं हो रहा, तो आम इंसान पर आप क्या करेंगे? ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए।